दोस्तों अभी चहल और संजू सैमसन को बेहतर खिलाड़ी मानते थे हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हैदराबाद और राजस्थान के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद ने हारे हुए मैच को बड़ी रोमांचक तरीके से अपने नाम कर लिया। आखिर कैसे संदीप शर्मा के एक नोबल राजस्थान रॉयल्स की टीम पर भारी पड़ा कंपनी आपको बताने जा रहे हैं, साथ ही इस मैच को पूरी हाईलाइट और लास्ट ओवर का रोमांच दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकेगी? नीचे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का 52वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। हैदराबाद के 10वां मैच था और संजू सैमसन की अगुवाई वाले राजस्थान रॉयल्स का 11वां मैच था। इस मैच को अंतिम मोमेंट तक जीत राजस्थान के हाथ में थी, लेकिन शायद किस्मत कोई मंजूर नहीं था, इसी कारण हैदराबाद की टीम ने हारा हुआ मुकाबला जीत लिया। संदीप शर्मा जिन्होंने डेथ ओवर में राजस्थान के लिए काफी मैच बचाए थे, आज लगभग ऐसा नहीं कर पाया और आखिरी गेंद पर नोबल होने के कारण हैदराबाद की किस्मत पलटी और फिर अब्दुल समद ने छक्का लगाकर टीम को 4 विकेट से जीत दिला दिया और मैच के हीरो बन गए। इस मैच में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, साथ ही टीम ने एक बड़ा बदला करते हुए दिग्गज जॉय रूट को डेब्यू करने का मौका दिया था। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने सबसे महंगे खिलाड़ी हैरी ब्रूक को बाहर कर दिया और गैरेट फिलिप्स को उनकी जगह पर टीम में शामिल किया गया। पहले खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 214 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। संजू सैमसन ने 38 गेंदों पर नवाज 6 रन की बेहतरीन पारी खेली, तो जॉस बटलर अपने शतक से जरा सी चूक गए और 95 रन की बेहतरीन पारी खेली। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 55 रन और राहुल त्रिपाठी ने 47 रन की बेहतरीन पारी खेली। अंत में ग्लेन फिलिप्स ने 7 गेंदों पर 25 रन बनाकर जीत का नींव रख दिया, जिसका अंदाज नाबाद 17 रन की बेहतरीन पारी खेलकर समद ने अपनी जीत दर्ज कर लिया। इस मैच में जहां संदीप शर्मा ने अपनी टीम के लिए मैच बचा लिया था, पर आखिरी बॉल पर नो बॉल होने के कारण इसके बाद वो हीरो से 0 बन गया। उधर अब्दुल समद जिनकी टीम के अंदर मौजूदगी को लेकर कई सवाल भी उठते थे, उन्होंने आखिरी गेंद पर अपना विकेट गवा दिया था और एक बार फिर से वो 0 साबित हो गया था, पर नियति को आज ये मंजूर नहीं था और आखिरी गेंद पर हुई नो बॉल को फ्री हिट दिया गया और आखिरी बॉल पर उन्हें रन चाहिए थे 4, लेकिन समद ने छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दिया। वहीं दोस्तों पॉइंट टेबल की बात करें तो इस जीत में एसआरएच की टीम 10 मैचों में 4 जीत के बाद वो 10वें से 9वें स्थान पर आ गया है। दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर से आखिरी स्थान पर लुढ़क गई, वहीं राजस्थान के लिए अब ये चीजें मुश्किलें हो गई है। टीम ने 11वें मैच में अपना 6ठा मुकाबला गवाया है। संजू सैमसन की यह हालांकि अभी भी ये 4थे स्थान पर है, लेकिन अपने प्लेऑफ की जगह बिल्कुल पक्की करने के लिए पिछले साल के रनअप पर अपने बचे हुए सभी 3 मुकाबले जीतने होंगे। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, ये आईपीएल 2023 का खिताब कौन जीतेगा? नीचे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और आईपीएल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।